डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट मैथ चैनल के डी द मैट्यूवर। और जैसा कि आपको पता है, अपनी इस समय प्रीवियस पेपर क्वेश्चन सीरीज चल रही है, जो कि मेनली एनडीए एंड एयरफोर्स एनडीए एंड एयरफोर्स नेवी एंड आईआईटी मैन, ये चार एग्ज़ाम के लिए डिवोटेड है। तो चलिए देखते हैं अपन विदाउट एनी फर्दर डिले कि क्या क्या क्वेश्चन इसमें 2013 में पूछे गए हैं। इससे पहले मैंने आपको 2011 एंड 2012 का कंप्लीट सॉल्यूशन कराया था बच्चों, और इस पर पहले भी मैंने एनडीए और एयरफोर्स के कई पेपर क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, जिनकी प्लेलिस्ट आपको नीचे एयरफोर्स नेवी प्रीवियस पेपर सीरीज के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर मिल जाएगी। तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके उन वीडियोस को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन जो होता है बच्चों, अपने आप में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन करने से आपको एक तो टाइमिंग का पता चलता है और दूसरा क्वेश्चन के लेवल का भी पता चलता है। क्योंकि जब बच्चा, आपको पता है, ट्वेल्थ से पास आउट होता है तो उसे आइडिया नहीं होता कि प्रीवियस पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और एयरफोर्स के पेपर आपको पता है वैसे ही मिलना मुश्किल है, तो अपने को जहाँ से भी मिले वहाँ से सॉल्व जरूर करना चाहिए, जिससे अपने को टाइमिंग एंड क्वेश्चन लेवल का पूरा गैस रहे। तो चलिए चलते हैं सीधे विदाउट एनी फर्दर डिले। क्वेश्चन आपके सामने हैं, साइन 7 थीटा माइनस साइन 5 थीटा अपॉन कॉस 5 थीटा प्लस कॉस 7 थीटा। ठीक बच्चों, तो देखते हैं इस तरीके के क्वेश्चन में अपने को क्या करना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कई मेथड हैं, एक तो सबस्टिट्यूशन है, दूसरा डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। आपको बच्चों साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला पता है, क्या होता है बच्चों, 2 cos c + d / 2, तो 7 और 5 12 का आधा 6 हो गया, इंटू साइन सी माइनस डी 7 - 5 यानी 2θ / 2 यानी थीटा। ये भी cos c प्लस cos d क्या होता है बच्चों, 2 cos c + d / 2 इंटू कॉस सी माइनस डी वाई टू। तो ये आपका देख सकते हैं 2 cos 6 θ कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस 10 θ हो जाएगा, जो कि आपका पहला ऑप्शन है। आप चाहो तो इसी सेम क्वेश्चन को बच्चों आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, है ना। ये चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है बच्चों। नेक्स्ट में आपको 10x + 10 2x + 10x + 10 2x = 1 दिया है और वैल्यू x की पूछी है। चलिए देखते हैं क्या कंडीशन रहेगी। पहले तो आपको एक तो ये जनरल सॉल्यूशन पता होगा 10 का, कि 10θ इक्वल बच्चों 10α आ जाए, तो थीटा इक्वल n π + α लगाते हैं। ये फॉर्मूला आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए यहाँ से अब देखते हैं ये लाइन क्या बनेगी। ठीक है, ध्यान देना बच्चों, ये लाइन क्या बनेगी। देखिए, आपको ये पूरी लाइन दिख रही है, इसको आप उधर ले जाओ तो 1 - हो जाएगा। तो यहाँ लाइन बनेगी 10 2x + 10x = 1 - 10 2x × 10x, यही लाइन बन रही है बेटा। अब इस पूरे पोर्शन को आप चाहो तो इसके नीचे ला सकते हो, तो यहाँ हो जाएगा 10 2x + 10x अपॉन, ये नीचे आएगा बच्चों, 1 - 10 2x 10x। ठीक है, अब ये आपको पता है इधर कुछ नहीं तो रह गया 1, और अगर अपन tan(a+b) के फॉर्मूले से इसको इक्वेट करें तो ये हो रहा है बेटा tan(a+tan b) / 1 - tan a tan b, जो कि बच्चों हो जाता है tan(a+b) का फॉर्मूला। और ये 1 जो आपको दिख रहा है, ये tan(45) का हो जाएगा। tan गया बेटा 2x, और x क्या हो गया 3x = 45, और 10 में मैंने व्यापक मान क्या बताया था, n π + α, तो n π + α यानी 45 को π/4 लिख सकते हो। अब ये 3 से आप इधर डिवाइड करोगे इस पूरे में, तो x की वैल्यू बच्चों हो जाएगी n π/3 + π/12। अब आप देख सकते हैं ये बच्चों ऑप्शन कौन सा आ रहा है, आपका डी आ रहा है। क्लियर, इस तरीके से बिल्कुल आसान काम है, ट्रिग्नोमेट्री के दोनों क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है, तो चलिए देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है बच्चों। देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर और कॉस इनवर्स ये दे रहा है, और कॉस स्क्वायर साइन इनवर्स ये दे रहा है। ऐसे क्वेश्चन में करते क्या बच्चों, कि कॉस इनवर्स को तो बदलो आप साइन में,
तो ये होता है रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो वन अपॉन फोर हो जाएगा। यहाँ आप इस साइन इनवर्स को बदलो कॉस में, क्योंकि बाहर कॉस है, तो साइन इनवर्स को कॉस में बदलने का भी वही फॉर्मूला है क्या, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो वन अपॉन नाइन हो गया आपका। यहाँ देख सकते हो साइन से साइन गया, रूट से स्क्वायर, तो वन में से वन बाई फोर गया थ्री बाई फोर। यहाँ कॉस से कॉस गया और रूट से स्क्वायर, यहाँ बचा वन में से वन बाई नाइन गया, तो बच्चों बचा एट बाई नाइन। यहाँ आप एलसीएम ले लीजिए, 36 हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आपका आप ऐड करेंगे तो 59/36, जो कि आप देख सकते हैं सी ऑप्शन है। तो आप देख रहे हो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स हैं, कोई ज़्यादा लंबा काम है नहीं। आगे चलते हैं, चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर आपके सामने 25 और ये log 4 बेस 5। ये क्वेश्चन आपको पता है 2011 में भी पूछा गया था और स्टूडेंट 2012 में भी आ गया। लॉग में एक प्रॉपर्टी याद रखना कि एक ही पावर लॉग बेस ए ऑफ एक्स कहीं हो तो इसकी वैल्यू बच्चों एक्स हो जाती है, यानी ये कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ 25 को अगर मैं 5 का स्क्वायर लिखूँ तो ये कंडीशन कुछ इस तरह बनेगी, और आप जानते हो पावर लॉग में ऊपर चली जाती है, तो यहाँ बच्चों हुआ 5 log 4 की पावर 2। अब ये 5/5 कैंसिल होगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, जो कि आप देख रहे हो पहला ऑप्शन है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अगले पर चलते हैं। उस एपी के पी पदों का योग क्या होगा जिसका आरवां पद 4r+1 है। आरवां पद कितना है, 4r+1। तो पूछा किसका है बच्चों, पी पदों का योग पूछा है। अब आपको मालूम है कि कोई भी फॉर्मूला हो एपी का, तो एस एन यानी एन पदों का योग क्या होता है, n/2 2a+n-1 d। अब इसको बच्चों क्या है, n की जगह तो p है, क्योंकि एस पी पूछ रहा है p पदों का योग, तो वो तो p/2 हो जाएगा। यहाँ आप बात करें तो 2 into a। अब a और d कहाँ से आएंगे, देखिए यहाँ से आएंगे। ये आरवां पद बच्चों आपको कितना दे रहा है, 4r+1, ठीक है, देखते जाना ध्यान से। तो अगर मैं यहाँ r की वैल्यू 1 रखूँ तो एक वहाँ पद जिसको आप a कहते हो फर्स्ट टर्म, ये आपका 5 हो गया। अगर मैं r की जगह 2 रखूँ बच्चों तो 2वां पद यानी हो जाएगा 9। और d कैसे निकालोगे, जब आप सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करोगे तो d 4 हो गया। चलिए यहाँ रख दो, 2 into a की वैल्यू आपकी कितनी हो रही है, 5, और n की जगह p था और d की जगह 4। सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ईजी है, 2 से आप ये कैंसिल कर दो तो p into, चलिए 2 बन जा 2, 5 में से 2 गया, ये आपका 2p+3। ऑप्शन देख लो कोई मैच हो रहा है बच्चों, बी ऑप्शन है। चलते हैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या कह रहा है यहाँ पर, ये सिचुएशन दी हुई है बच्चों। चलिए इसको एक काम करते हैं, ऐसे इनवर्स ये इनफाइनाइट सीरीज कभी भी आ जाए तो इसको आप कुछ मान लो, जैसे x मान लिया। अब ये मैं रूट हटाऊँगा बच्चों, तो यहाँ एक्स स्क्वायर होगा इक्वल -2+2। और आप ये देखो, ये जो पूरी वैल्यू है बच्चों, ये इसकी जगह भी क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। इन दोनों को उधर ट्रांसफ़र करो, x²-2x+2=0। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना, तो सॉल्व करेंगे यहाँ पर, पहले b²-4ac निकाल रहे हैं आप, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4-8 यानी -4, क्लियर, -4। अब जैसा कि आपको पता है कि v²-4ac क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, तो 100% इसके सॉल्यूशन बेटा कैसे होंगे, 100% इसके सॉल्यूशन इमेजनरी होंगे, यानी काल्पनिक होंगे, आयोटा में होंगे। तो देखते हैं इन तीनों में से क्या होगा। d तो वैसे ही नहीं हो सकता, ये तो वैसे ही लिख दिया है, d तो ऑप्शन है ही नहीं, तो दिख ही रहा है। चलिए धराचार लगा दो, x बराबर क्या फॉर्मूला बेटा, -b±√ v²-4ac/2a। तो इसमें वैल्यू लगा दीजिए, -b कितना, -2, तो -±+2, और ये √-4/2a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 था। आप देख सकते हो बच्चों, रूट के अंदर से माइनस हटाएंगे आयोटा आएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, और 2 से इसे डिवाइड कर दो कॉमन लेके, तो 1±i आ रहा है बच्चों, जो कि आपका पहला ऑप्शन है। ठीक, कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वाई इक्वल जीरो के मूलों के वर्गों का योग 10 है तो पी का मान बताओ। अब यहाँ आप देख लीजिए ए बी सी क्या है, ए है 1, बी है बच्चों 2 और सी है माइनस वाई। ठीक, यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे तो बी कितना है यहाँ 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 into a 1 है और c बेटा माइनस वाई है, ये हो गया 4 प्लस 4y। ठीक है, ये अब इसमें यहाँ पर एक चीज़ देखना, ये सॉरी वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी अपने को, ये अपन ने फालतू में निकाल लिया, कोई ज़रूरत नहीं थी इसकी। चलिए आप, मैं शॉर्ट ट्रिक इसकी बता दे रहा हूँ, आप एक काम करो बच्चों, आप इसमें अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, 10th क्लास की ट्रिक है, माइनस बी अपॉन इसे तो आपका माइनस 2 हो गया। अब आप एक अल्फा बीटा निकाल लो जो कि सी अपॉन ए से आएगा तो आपका वो माइनस वाई हो गया। ठीक है, अब आपको दिया क्या है, मूलों के वर्गों का योग, ये होता है बच्चों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है 10। तो देखना अब ये पी कहाँ से आएगा, ये पी नहीं है सॉरी, यहाँ ये वाई होगा क्योंकि पी तो इक्वेशन में ही नहीं है, ये वैल्यू किसकी पूछी होगी इन्होंने, वाई की पूछी होगी 100%, है ना। ये चलिए देखते ध्यान से क्या सिचुएशन रहेगी। तो यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला आप सभी बच्चे जानते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होता है बच्चों। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, यहाँ देखिए -2 -2 का स्क्वायर 4 और ये माइनस वाई, तो माइनस माइनस प्लस का 2y इक्वल में 10 चल रहा है, तो 2y इक्वल 10 माइनस 4 हो गया 6, तो y इक्वल ये कैंसिल हो गया आपका हो गया 3। तो आपकी y की वैल्यू पूछी थी जो कि आ गई 3। चलते हैं सीधे नेक्स्ट पर, देखिए ये क्या कह रहा है, यदि 7 लड़कों को किसी बेंच पर कितने प्रकार से बैठाएं ताकि 2 खास लड़के एक साथ बैठे। देखिए 7 बैठने की जो ट्रिक होती है बच्चों वो ये होती है n-m+1 × (n)। अब ये n क्या होता है, n तो होते हैं बेटा टोटल मेंबर, तो टोटल मेंबर कितने हैं 7। ये ट्रिक हमेशा ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार कंपटीशन में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर से इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस ट्रिक के, है ना। तो m कितना है बच्चों, m यानी 2 बच्चे साथ बैठ सकते हैं, तो m 2 है, 7 में से 2 गया 5 और 1 हो गया 6 (6) हो गया आपका आंसर सी। वैसे अगर इसकी वैल्यू को कहता तो अपन 720 लिखते हैं, है ना। ये चलते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 + x^11 के विस्तार में 5वां पद तीसरे पद का 24 गुना है तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है 1 + x^n के प्रसार में जो r+1वां पद होता है वो होता है बेटा (ncr)x^r। तो 5वां पद क्या होगा यहाँ पर बताइए, 5वां पद ये हो जाएगा (nc)4(x^4) और यहाँ कह रहा है तीसरे पद का 24 गुना है, तो तीसरा पद कौन है बेटा, यहाँ ये ध्यान रहे n की जगह 11 आ जाएगी, हाँ तीसरा पद कितना हो जाएगा 24 गुना है, तो 24 तीसरा पद हो जाएगा 11c^2(x^2). तो यहाँ चलिए 11c^4 को कैसे खोलेंगे, 11, 10, 9, 8 और नीचे क्या होगा बच्चों 4, 3, 2, 1, यही होता है ना 11c^4 की वैल्यू, और एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल, एक्स स्क्वायर आ गया। 24 × 11c^2 कैसे निकालोगे, 11 × 10/2 × 1, तो आप देख सकते हो 2 × 1 और 11 × 10 कैंसिल, यहाँ आप देख रहे हो 4 × 2 = 8 and 3 × 3 = 9, या 3 × 2 = 6, 6 × 24 आपका कट रहा है कितनी बार बच्चों 4 बार, और एक्स स्क्वायर 4 है तो x की वैल्यू आपकी प्लस माइनस कितनी हो गई 2 हो गई। यह आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9। ठीक बच्चों, आगे चलते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट 3 क्वेश्चन आपके सामने, वीडियो बीच में पॉज हो गया था इसलिए ये सॉल्यूशन उसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ है, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ये डिटर्मिनेंट है आपका, इसकी वैल्यू सॉल्व करनी थी बिल्कुल ईजी है। आप क्या करोगे, इसमें इन सभी फैक्टोरियल की वैल्यू लिख दो, तो वैल्यू आप जानते हो कैसे लिखते हैं, जैसे ये फैक्टोरियल 4 है तो इसको कैसे लिखेंगे 4, 3, 2, 1, तो 24 हो गया। अब आप इसमें पहली रो को बेस बना के इसका एक्सपेंशन कर लो, प्रसार कर लो,
तो आप देखोगे इसमें पहली रो में तो कोई कॉमन है नहीं, दूसरी रो में दो कॉमन ले लो, तीसरी में से छह ले लो, ये बचेगा। इसका हमने प्रसार कर लिया, प्रसार सभी बच्चे जानते हो, आंसर 24 आया। 24 बच्चे आपको पता है किसका आंसर होता है, फैक्टोरियल 4 का होता है। ये आपका ए दिया हुआ था, ए इनवर्स पूछा है, तीनों ही क्वेश्चन इजी हैं इसलिए मैं इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। तो बेटा कैसे करेंगे, ए दिया है और ए इनवर्स पूछा है, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए होता है। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं बेटा, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है मुख्य विकर्ण है इसे आपस में बदलते हैं, और जबकि ये दूसरा जो विकर्ण है इसमें आपस में बदलना नहीं है, केवल चिन्ह बदलना है। और जब मॉड ए निकालेंगे तो आप क्या करोगे, इसमें क्रॉस करके घटा दो, तो 3 का 2 में 6 और 5 का 1 में 5, 6 - 5 1 हो गया। ये आपका आंसर आ गया जो कि ऑप्शन सी है। अगला देखिए बच्चों क्या कह रहा था कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल है, तीनों निर्देशांक दिए हैं ए बी सी। अब आप देख रहे हो ये x1 y1, ये है बच्चों x2 y2, ये है x3 y3। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हो, ये फॉर्मूला होता है अगर हम सारणिक से करें तो, ये 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ये वैल्यू इसमें पुट कर दी। अब आप देख सकते हो अगर मैं दूसरे में पहला कॉलम ऐड कर दूं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो मैंने जैसे ही दूसरे और पहले कॉलम को ऐड किया तो ये हो गया a+b+c, और ये भी a+b+c। जैसे ही मैं a+b+c को कॉमन लूँगा बच्चों बाहर, ये देखो मैंने a+b+c बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा abc 1 1 1 1 1 1। और आप जानते हो यहाँ पर सेकंड और थर्ड रो इक्वल हो चुकी है, और जब कोई भी दो रो इक्वल हो जाती हैं या दो कॉलम, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों, सी। क्लियर, छोटे छोटे क्वेश्चन थे इसलिए मैंने बहुत कम टाइम में इनको कर दिया है। आगे देखते हैं नई ट्रिक्स क्या है। उस सरल रेखा का समीकरण क्या होगा जो रेखाओं इतने और इतने के कटान बिंदु और 2, -3 से होकर जाती है। देखिए पहले तो यह कि 2, -3 से होकर जाती है, तो पहले तो वो ऑप्शन हटा दो जो 2, -3 से होकर नहीं जा रहा हो। अगर मैं इसको यहाँ पर रखूँ तो आप देख रहे हो 13 × 26, और ये -3 का -19 में +57 और माइनस के कितने 83, तो ये तो 83 - 83 क्या आ रहा है, 0। यानी ये तो हो सकता है, अब मैं ये नहीं कह रहा यही होगा लेकिन अभी ये हो सकता है। अब चलिए इसको इसमें रख के देखते हैं, तो 13 × 26 और -57 + 83, हम देख रहे हैं ये 0 नहीं हो रहा, दूसरा गलत वैसे ही हो रहा है। चलिए तीसरा देखते हैं, तीसरे में भी आप रख रहे देख रहे हो तो ये भी 0 नहीं हो रहा। इसका मतलब अब हमारे ऑप्शन 2 हो सकते हैं, एक तो ए और एक डी, यानी या तो ये होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। अब देखते हैं कि ये दोनों तो गलत हो गए इनके ऊपर। अब ये देखो मैंने आपको यहाँ शॉर्ट ट्रिक बताई है कैसे आप ऑप्शन कम कर सकते हो। अब यहाँ आप ये देखना कि इन दोनों का क्या निकालना है, कटान बिंदु। वैसे तो देखो ये आ चुका है लेकिन और ज़्यादा कन्फर्म करना हो तो चलो अपन और कर लेते हैं। जैसे कि ये क्या कह रहा है, x+2y = 5, तो x+2y = 5 वो बच्चों क्या दे रहा है, x-3y = 7। यहाँ घटाएंगे, ये कैंसिल, 2y और 3y हो गया 5y = -2, y = -2/5। अब यहाँ इसको इक्वेशन 1 में रख दो, क्या हो जाएगा एक्स और 2y यानी 2 × 2 = 4/5 = 5, x = 5+4/5, तो 5 × 5 = 25 और 4 हो गया 19y5। तो एक्स वाई की ये वैल्यू आ गई। अब आपको डाउट किस पे है कि पहले पर, तो पहले में अब ये वैल्यू पुट करके देख लो, और अगर मान लो आपका ये 0 आ जाए तो फिर ये ऑप्शन फाइनल हो जाएगा, रख के देख लो। तो ये आपका 13 × 29 कितना हो गया, 13 का 9 में 117 हासिल 11 13 × 26 और 11 37/5 19y कितना -2/5, तो --+38/5 हो गया -83 LCM 5 है। यहाँ बचा बच्चों 377 + 38 - 83 कितना हो जाएगा 415। अब यहाँ ऐड कर लो कितना हो गया, ये 7 और 8 15, 7 और 3 10 और 11
415 माइनस 415 ये बेटा हो गया जीरो। इसका मतलब आपके जो दो कोमा माइनस तीन थे इन्होंने भी पहले ऑप्शन को संतुष्ट कर दिया, और जो ये कटान बिंदु निकल के आए बच्चों ये इन्होंने भी इसी पहले ऑप्शन को संतुष्ट कर दिया। तो ये था ज्योमेट्री का बढ़िया क्वेश्चन, कौन से टॉपिक से है बेटा, लाइन रेखा से। अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, सर्किल का ये रहा। देखिए सर्किल का क्या इक्वेशन है, ये कोई सर्किल है बच्चों, बिंदु 7.2 पर खींची गई स्पर्शी, स्पर्शी किसको कहते हैं बच्चों, टेंजेंट को कहते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा है। अब ये कैसे आएगा देखियो, पहले ये सर्किल जो दे रखा है बच्चों, इस सर्किल की कंपेरिजन जैसे ही मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0 से करूँगा तो g कितना हो गया 2 से ये गया माइनस 13, f कितना हो गया 2 से 12 गया 6, c कितना हो गया 105 और ये बिंदु हो गए बेटा x1y1। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अपना स्पर्शी का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, मैंने नोट्स में भी बताया है, x x1 प्लस y y1 प्लस जी इंटू एक्स प्लस x1 एफ इंटू वाई प्लस y1 प्लस c इक्वल 0। ये जी एफ सी की वैल्यू रख दो और ये x1 y1 रख दो। चलिए देखते हैं x x1 कितना बच्चों 7, तो ये 7x हो गया। y y1 तो y1 कितना 2 प्लस 2y हो गया, ये हो गया ना। चलिए प्लस जी कितना है माइनस 13 इंटू एक्स प्लस x1 कहाँ है बच्चों 7, एफ एरा 6, वाई प्लस y1 कितना था 2 प्लस c 105। ठीक, देखो अब वैसे तो इतने से ही आइडिया लगा सकते हो कैसे, जैसे कि आप देख रहे हो माइनस का 13x है प्लस का 7x है तो माइनस का 6x बच रहा है, और 6y प्लस का है प्लस का 2y तो प्लस के 8y बच रहे हैं ना। अगर मैं माइनस यहाँ से माइनस 2 को मान लूँ माइनस 2 तो आपका बचेगा 3x माइनस 4y, यानी अब आंसर कुछ भी आए लेकिन वो आंसर वो होगा जिसमें 3x माइनस 4y आ रहा हो। तो टाइम बचाने के लिए बच्चों एग्जाम में हमेशा पूरा क्वेश्चन सॉल्व मत करते रहना, इस तरह की ट्रिक्स से आपको आंसर बताने। तो 3x माइनस 4y देख लो कौन से ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में है। देखो एग्जाम में ये कोई ज़रूरी नहीं कि देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, लेकिन अगर मान लो देखते भी नहीं हो रहा है तो आप शुरू करो, लेकिन जहाँ भी आपको लगे कि अब ट्रिक काम कर सकती है तो वहाँ ट्रिक जरूर लगाएं। मान लो कोई क्वेश्चन 40 सेकंड में होने वाला है, अगर आप उसको 20 सेकंड में भी कर देते हैं तो हमेशा ध्यान रखना 20 सेकंड बचेंगी जो कि आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आ जाएंगी। टाइम मैनेजमेंट का ही खेल है बच्चों। यहाँ बच्चों 3 क्वेश्चन है नए, अब ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है तो मैंने आपके लिए ऑलरेडी सॉल्व कर दिए ताकि आपका वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं बने। ये देखिए परवलय एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y माइनस 11 इक्वल 0 के नाभि यानी फोकस का कोऑर्डिनेट नियामक पूछा था। तो हमेशा ध्यान रखना, ये देखो अब इसमें एक्स पे स्क्वायर है, इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay के टाइप का है। इस टाइप का जब भी पैराबोला यानी परवलय हो तो उसकी नाभि 0.a होती है। अब हमें यहाँ मान किस किस का लाना था, x का y का और a का। तो यहाँ देखिए मैंने क्या किया, ये इक्वेशन है 4y और 11 को उधर ले गए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए बच्चों 9 इधर जोड़ दिया 9 इधर, तो ये आपका हो गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल 4, यहाँ कॉमन लेके ये हो गया। अब इसकी तुलना अगर मैं एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay से करूँ तो ये x की वैल्यू हो रही है, ये y की वैल्यू हो रही है, और 4a की 4 से करेंगे तो a1। इन तीनों वैल्यू को जब मैं बेटा इसमें रखूँगा तो आप देख रहे हो मुझे 3.-4 मिल रहा है। क्लियर, ये सब मैंने ऑलरेडी इसलिए सॉल्व कर दिए ताकि आपका टाइम कम लगे और आप कम टाइम में पूरा पेपर देख लो। यहाँ f(x) और इसका डोमेन पूछा है, डोमेन का मतलब बच्चों होता है प्रांत यानी एक्स की वैल्यू। ठीक, अब यहाँ देखना रूट के अंदर की जो भी वैल्यू होती है बच्चों वो 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, ये तो आप जानते ही हो फंक्शन को डिफाइन होने के लिए। 0 को आप जानते हो log 1 लिख सकते हैं, और क्योंकि इधर बेस 16 है तो मैंने इधर भी लिखा है। अब log से log गया बेटा तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 आ रहा, और एक्स स्क्वायर को सभी बच्चे जानते हैं कि मॉड एक्स भी लिख सकते हैं, तो ये आपका ऑप्शन कौन सा आ गया, बी। 17 क्वेश्चन में रेंज पूछी थी बेटा, रेंज का मतलब होता है परिसर, परिसर यानी f(x) की वैल्यू होती है।
एफ ऑफ एक्स का मतलब है इस पूरे फंक्शन की क्या वैल्यू है। तो ये तो बिल्कुल इजी है, आप जानते हो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बच्चों डायरेक्ट ही पाई बाई टू होता है, और साइन 91 ये आपका ऑप्शन कौन सा आ गया, डी। आगे चलते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए लॉग एक्स माइनस लॉग ए अपॉन, ये पूछा है बेटा लिमिट का क्वेश्चन है। चलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलते, डी हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं, डी हॉस्पिटल रूल, इसको एल हॉस्पिटल रूल भी बोलते हैं। यहाँ पर बच्चों ये ध्यान रहे, इसको लिखते हॉस्पिटल हैं लेकिन बोलते हॉस्पिटल हैं। तो चलिए इसमें डी हॉस्पिटल में क्या है, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। लिमिट एक्सटेंड टू ए, यहाँ बच्चों लॉग एक्स का क्या हो गया वन अपॉन एक्स, लॉग ए का हो गया जीरो, रूट एक्स का हो गया वन अपॉन टू रूट एक्स, और रूट ए का हो गया जीरो। ठीक है, तो आप देख सकते हो रूट एक्स से एक्स कितनी बार कटेगा, रूट एक्स बार। यहाँ आपका बचेगा लिमिट एक्स टेंड टू ए, ये टू ऊपर जाएगा, टू अपॉन रूट एक्स हो रहा है बच्चों, तो इसमें वैल्यू रख दो एक्स की जगह ए, रखते ही आपका टू अपॉन रूट ए हो गया, जो कि आपका सी ऑप्शन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। ये कह रहा है एफ ऑफ एक्स ये अवकलनी है तो इनमें से क्या कंडीशन सही होगी, ए बी की वैल्यू पूछिए। आपको पता है कि जो फंक्शन अवकलनी होता है वो सतत पहले होता है। अब ये क्वेश्चन दो पार्ट में है, अब ये सतत भी है और अवकलनी भी है। आप कहोगे सर सतत तो दिया नहीं है, सतत यानी कंटिन्यूस तो दिया नहीं है और अवकलनी यानी डिफ्रेंशिएबल दिया है। बच्चों आपको पता होगा कि जो फंक्शन अवकलनी होता है वो अवकलनी होने से पहले सतत होता है ना। अब सतत के लिए क्या कर सकते हो, सतत का मतलब होता है कि जो वैल्यू होती है आपकी सतत की, जैसे माइनस एक यहाँ दे रखा है, तो माइनस एक पर अगर ये फंक्शन सतत है तो इसका मतलब माइनस एक पर इसकी ये दोनों साइड बराबर होंगी। तो आप माइनस एक को पहले इसमें रखो, देखो फंक्शन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इक्वल बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस फोर। आप ट्रिक को देखना बच्चों, तो माइनस वन रख दो इस पूरी लाइन में, तो माइनस वन का स्क्वायर वन इंटू ए यानी ए प्लस बी, यहाँ बी माइनस ए प्लस फोर हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पे बी कैंसिल हो रहा है, ए इधर आके आपका टू ए इक्वल फोर हो गया, और ये आपका ए इक्वल टू हो गया। अब ए इक्वल प्लस का टू आप देख लो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों, ए होगा। इसको कहते हैं शॉर्ट ट्रिक, क्लियर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। इसमें क्या है देखिए, इसमें करना बच्चों ये है डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर में, जैसे कि आप पहले इसका डिफ्रेंशिएट करो, तो साइन इनवर्स का क्या होता है वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का एक्स फोर हो गया। लेकिन आपको पता है कि जो अंदर टर्म रहता है जिसको इंक्लूडेड फंक्शन कहते हैं उसका अलग से करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा बच्चों टू एक्स, और अपॉन में रूट में क्या चल रहा है वन माइनस एक्स फोर चल रहा है। ये आपका आंसर आ गया अभी, ठीक है ना। ये अगला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया बेटा 21, देखो अपने को बिल्कुल फालतू बात नहीं करनी है, बिल्कुल ही टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसीलिए डायरेक्ट क्वेश्चन टू क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ये फंक्शन है बेटा, इसका उच्चिष्ट मान पूछा है, चलिए इसको अपन वाई ले लेते हैं। अब देखना करना क्या है, आप ऐसा करो इस पावर को नीचे लाने के लिए लॉग ले लो, तो ये हो जाएगा एक्स आगे, और जैसे ही आप यहाँ लॉग लोगे बच्चों तो लॉग ऑफ वन अपॉन एक्स होगा, जिसे मैं लॉग वन माइनस लॉग एक्स लिखूंगा तो लॉग वन जीरो, तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा। अब यहाँ आपको पता है कि अपन यहाँ पर करते हैं डिफ्रेंशिएट, चलिए तो लॉग वाई का क्या होगा वन अपॉन वाई डी वाई डी एक्स माइनस एक्स इंटू लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स, और माइनस लॉग एक्स इंटू एक्स का वन हो गया। वाई ऊपर ले लो, तो y की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पर वन अपॉन x की पावर x, माइनस कॉमन लेंगे जैसे ही माइनस कॉमन, तो ये x कैंसिल, यहाँ बचा वन प्लस लॉग x। अब आपको पता है बच्चों कि इसकी वैल्यू में जीरो से डी वाई डी एक्स की जगह क्या रख देते हैं जीरो, तो ये तो आपका चल ही रहा है यहाँ वन प्लस लॉग x है।
अब यहाँ बेटा इनकी कंपैरिजन मैं जीरो से करूँगा। चलिए वन प्लस लॉग एक्स की करके देखते हैं। तो आप देख रहे हो लॉग एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, माइनस वन, और लॉग का जैसे ही भाग हम किसी में देते हैं तो वो ई की पावर में पहुँच जाता है, यानी एक्स की वैल्यू आ गई वन अपॉन ई। लेकिन वो किसका मान पूछ रहा है, इस फंक्शन का, इसमें एक्स रख दो तो वन अपॉन एक्स की जगह वन अपॉन ई पावर वन अपॉन ई, ई ऊपर जाएगा बच्चों, तो ई की पावर वन अपॉन ई आप देख लो कौन सा ऑप्शन है, बी। आप देख रहे हो कोई ज़्यादा टाइम लग ही नहीं रहा, बिल्कुल विद इन 30 to 40 सेकेंड में आप कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, सैंडविच रूल आप सभी बच्चों ने पढ़ी है, उसी तरीके का क्वेश्चन है। सैंडविच रूल में क्या करते हैं बेटा, मोड दिया होता है और लिमिट दी होती हैं। पहले हम क्या करेंगे, इनके बीच की लिमिट लाएंगे, तो 3x² यहाँ बेटा दे रहा 0 to 1 3x² - 1 dx। आप ये देखो ये 3x² - 1 है, इसकी कंपैरिजन किससे कर सकते हैं, जीरो से, तो 3x² = 1 एंड x² = 1/3। स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ बच्चों रूट आ जाएगा, यानी आपकी वैल्यू आ गई एक्स की वैल्यू 1/√3। आप बच्चों सोच रहे होगे कि मैंने स्क्वायर हटाया तो प्लस माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ लिमिट है 0 to 1 तो इसमें नेगेटिव नहीं आएगा, प्लस की वैल्यू ही आएगी। अब क्या होगा, देखिए ये फंक्शन दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक तो 0 से 1/√3 में, और ये 3x² - 1 आपका चल रहा है, और एक बच्चों आपका 1/√3 से 1 में, और वो चली रहा है आपका 3x² - 1। अब चलिए यहाँ सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर का होता है x³/3, 3 से 3 कैंसिल होके x³, 1 का x हो गया, लिमिट आपकी ये चल रही है, ध्यान देना कई बच्चे लिमिट में भी गलती कर देते हैं, 3x² का हो गया x³, 1 का x, और लिमिट अब ये चल रही है। चलिए अब वैल्यू लगाएंगे, तो 1/√3 लगाओ बेटा, 1/√3 का ये 1/3√3 हो जाएगा, माइनस एक्स की वैल्यू हो गई 1/√3, जीरो का तो कोई मतलब है नहीं लगाने का, यहाँ पहले 1 लगाओ तो 1 - 1 0, इसे हटाओ बीच में क्या आती है माइनस, अब माइनस आएगी, अब 1/√3 लगाएंगे तो 1/√3 का क्यूब 1/3√3, और ये माइनस माइनस प्लस और 1/√3। आप देख सकते हो बच्चों ये इससे कैंसिल हो रहा है और ये इससे कैंसिल हो रहा है, आपका आंसर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, कौन सा आ रहा बच्चों, जीरो, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये रहा आपका DE डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण का क्रम यानी कोटि जिसे ऑर्डर कहते हैं, घात यानी डिग्री, ये की इनकी वैल्यू पूछी है, तो देखते हैं कैसे। सबसे पहले आपको बताइए अपॉन में जो पावर लग रही है इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि जो घात यानी डिग्री होती है बेटा, ये डिग्री बिलोंग्स टू एन होती है, नेचुरल नंबर होनी चाहिए, तो 3/2 तो नेचुरल है नहीं, तो आप एक काम करो 2² वो साइड्स दोनों ओर का स्क्वायर करो। अब आप कहोगे सर स्क्वायर से क्या होगा, स्क्वायर से बेटा ये होगा कि 3/2 का स्क्वायर 3 होगा, और यहाँ आप जब d2/dx स्क्वायर करोगे तो जब इसमें ये यहाँ, और ऐसे भी समझ सकते हो कि पावर जब एक तरफ से दूसरी ओर जाती है तो इन्वर्स हो जाता है, जैसे 1/2 उधर जाएगा तो 2 हो जाएगा, k का भी स्क्वायर होगा। चलिए अब यहाँ आप ये देखो सबसे ज़्यादा बार डेरिवेटिव कौन से टर्म का है, इसका है, और ये सेकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव है, तो इसकी ऑर्डर यानी क्रम तो हो गई 2, है ना। अब रही बात इसकी घात की यानी डिग्री की, तो डिग्री आप देख सकते हो इस पर 2 पावर है, तो डिग्री भी 2, तो 2, 2 यानी बी ऑप्शन हो गया। आगे चलते बच्चों, संख्याओं के समुच्चय का माध्य एक्स बार है, यदि प्रत्येक को 3 से विभाजित करें तो नया माध्य क्या होगा। देखिए बच्चों हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि कोई भी संख्या से जब आप भाग करोगे तो माध्य में भी उसका भाग लग जाता है ना ये, और ये ध्यान रहे कि अगर आप किसी संख्या से गुणा कर रहे हो तो गुणा भी हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि आप प्रत्येक को 3 से विभाजित करोगे तो नया माध्य जो होगा बेटा, नया माध्य जो होगा वो पुराने माध्य का 1/3 होगा, क्योंकि जब आप आंकड़ों को 3 से विभाजित करोगे तो आपका नया माध्य भी बेटा 3 से विभाजित हो जाएगा, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन आएगा, डी। अगला क्वेश्चन बेटा प्रोबेबिलिटी का है, थोड़ा ध्यान से समझना।
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा प्रोबेबिलिटी का है, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। देखो यहाँ थोड़ा ध्यान से समझना, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू देखते हैं इन चारों में से कौन सी हो सकती है। अगर मैं एक एक करके विचार करूं तो सी तो वैसे ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन की तो वैल्यू पूछ रहा है और ए इंटरसेक्शन भी यहाँ भी दे रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। चलिए इसको डी को हल करके देखते हैं, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। आपने बच्चों पी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला पढ़ा होगा कि पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये आपका हो रहा है टू इंटू पी ऑफ ए प्लस टू इंटू पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आप देख रहे हो इसको सॉल्व करने से ये पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्राप्त नहीं हो रहा, तो ये डी ऑप्शन भी गलत है। अब हमें विचार करना पड़ेगा किस किस पर, ए और बी पर। आप लोग बच्चों ये तो जानते ही होंगे कि पी ऑफ ए यूनियन बी हमेशा वन या वन से कम होता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में वन से ज़्यादा वन के नहीं हो सकता, वन तो हो सकता है लेकिन वन से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब पी ऑफ ए यूनियन बी का बच्चों आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है, और इधर वन चल रहा है, तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। अब यहाँ देखिए इसको उधर ले जाओ, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों बेटा उधर जाएंगे तो किसके होंगे, माइनस के होंगे, ये उधर जाके हो गए माइनस के, आगे माइनस होनी नहीं चाहिए तो चिन्ह बदलेंगे। और ये ध्यान रहे जैसे ही चिन्ह बदलेंगे तो आपकी ये इनइक्वालिटी जो लेस देन की है ये आपकी ग्रेटर देन की हो जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस वन, ये आपका हो गया। अब ये पूरी लाइन ये देखो बच्चों क्या कह रही है, ये पूरी लाइन क्या कहना चाह रही है, ये पूरी लाइन ये बता रही है कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस वन से ज़्यादा है, ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस वन से कम नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा आ रहा है। क्लियर, ये इसका क्या है, ये जो है इसका न्यूनतम मान है, यानी इसकी वैल्यू इससे कम नहीं हो सकती, तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ए। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है, वैल्यू लेकर भी आप कर सकते हो। तो ये था बेटा हमारा एयरफोर्स का 2000 पेपर फर्स्ट, ये ध्यान रहे एयरफोर्स 2013 में दो पेपर आए थे बेटा, ठीक, जैसा कि आपको पता है एवरी ईयर दो पेपर होते हैं अपने, तो ये 2013 का फर्स्ट है। कल अपन बात करेंगे 2013 के सेकंड पेपर की, तो जिन बच्चों को भी वीडियो अच्छा लगा हो वो बाकी बच्चों को बेटा वीडियो शेयर करें और एक बार लाइक ज़रूर करें, और जो भी आपकी प्रॉब्लम हो उनको एक बार कमेंट करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट है बच्चों तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस कर देना, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम टू टाइम। क्लियर, तो कल चलिए फिर से एक पेपर सॉल्व करेंगे और नई नई ट्रिक्स के बारे में जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।